Hi, hello, welcome to the Royal Cuisine. आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट फ्राई. चलिए अब हम वीडियो के अंदर चलते हैं. देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए. लहसुन, प्याज, टमाटर और चिल्ली. और मैंने दो बड़े बीटरूट को काट कर रखी हूँ छोटे छोटे. एक पैन लेते हैं, उसमें ऑयल, दो चम्मच ऑयल डाल देती हूँ. देखिए ऑयल गर्म हो गया है. मैं इसके ऊपर राई डाल देती हूँ, राई और सौंफ. मैं राई के साथ हमेशा उड़द दाल डालती हूँ. और देखा करी पत्ता डाल देती हूँ, एक 10-15 करी पत्ता. और हरी मिर्च, दो बड़ी हरी मिर्च लंबे लंबे काट कर डाली हूँ. ये बारीक कटा प्याज. बारीक कटा लहसुन. इसे हम अच्छे से मिला लेते पहले, सुनहरा रंग आने तक हम मिला देते. दोस्तों बना के देखिएगा, एकदम सिंपल है. मैं इसमें अभी बारीक कटा टमाटर डाल देती हूँ. ये देखिएगा एकदम सिंपल है. मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं करा. आप चाहे तो मूंगफली के पाउडर भी डाल सकते हैं, उसे मूंगफली पाउडर डाल सकते हैं. और नारियल भी डाल सकते हैं. लेकिन मैंने सिंपल बनाया है, इसमें कुछ डाला नहीं है. ये देखिएगा अब मैं इसके ऊपर बीटरूट डाल के मिला लेती हूँ अच्छे से. अच्छी तरह से मिला लेते इसमें मूंगफली का पाउडर डालने से भी अच्छा रहता, स्वाद बढ़िया रहेगा. नारियल को कुरच के डालने से भी अच्छा रहेगा. ये देखिएगा मैंने आधा चम्मच नमक डाली हूँ. और ये हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर. बस मैं इसमें यही ऐड करती हूँ और कुछ इसमें मैं ऐड नहीं करी हूँ, क्योंकि इसमें चिल्ली पाउडर सब मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्च काट के डाली हूँ. इसे पकने देते थे, अभी बंद करके रख देते हैं. ये देखिएगा पक चुका है अच्छे से. दोस्तों आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा. थैंक यू फ्रेंड्स. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों.